बेहतरीन से ब्रेड रोल बनाने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ऑयल डालिए, थोड़ा सा अदरक लहसुन इसमें सॉटे करें। ये चिकन का कीमा ऐड कर दें। अब इसके अंदर ये मैं सारे मसाले डाल दूंगी। बहुत मजेदार ब्रेड रोल्स तैयार होंगे। अच्छा, ये चिकन का कीमा जो है ये काफी हद तक बन गया है। अब मैं साइड में इसी बर्तन में जो है व्हाइट सॉस थोड़ी सी तैयार करूंगी। मुझे थोड़ी सी व्हाइट सॉस चाहिए। मैंने कहा दूसरे बर्तन को टेस्ट करने के बजाय इसी में हम काम कर लेते हैं। ये 1 टेबल स्पून मैं मैदे के साथ व्हाइट सॉस रेडी करूंगी। इसमें दूध ऐड करेंगे, इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दें थोड़ी सी। सॉस में थोड़ी सी मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च, इसमें ये चेडर चीज ऐड कर दें थोड़ी सी। अब इन सब चीजों को मैं मिक्स कर दूंगी ताकि ये एक अच्छा बेहतरीन सा चिकन के साथ मिक्सचर बन जाए। मैं थोड़ी सी 2 टेबलस्पून और क्रीम मैं ऐड करूंगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये मिक्सचर थोड़ा सा क्रीमी सा बने। तो ये आपके हाथ में है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा क्रीमी मिक्सचर बनाना है तो मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड करूंगी। मैंने प्याज और शिमला मिर्च को चॉप कर लिया था, बिल्कुल फाइन चॉप्ड है ये मैं डाल दूंगी सारा। और लास्ट में हरा धनिया। ब्रेड रोल्स बनाने के लिए आप ताजी ब्रेड, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड मैंने ली हुई है, ठीक है। अब इसके मैं साइड्स कट कर लूंगी और वो भी साइड्स आपने जाया नहीं करने। मैं बताती हूँ आपने क्या करना है इसका। ये हम क्रम्स के लिए यूज करेंगे। अभी ब्रेड आप लेकर इसको बेलन से या रोलिंग पिन से आप इस तरीके से फैला लेंगे। ये मैं रखती जाऊंगी। ये देखें, ये मैंने अपने ब्रेड के सारे पीसेस जितने मुझे रेडी करने हैं अभी वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसके अंदर ये जो मिक्सचर हमने बनाया था कीमे का, ये मैं रखूंगी। मैदा जो है वो पानी में घोल के इसकी एक घोल बना लिया है। इसको मैं, ये चिपकने का काम करेगी, चारों तरफ लगा लें इसको इस तरह। अब मैं इसको रोल करूंगी। रोल करके आपने इसको ऐसे साइडें चिपका देनी है। ये देखें, ये देखें, ये आपकी एक जो है वो ब्रेड रोल रेडी हो गई। ये स्टेप हमारा डन हो गया है। अब ये देखें, जो ब्रेड्स के साइड्स बचे थे उसके मैंने क्रम्स बना लिए हैं और ये मैंने अंडों को बीट कर लिया है। मैं अब क्या करूंगी, इसको इस तरह इसमें डिप करके अंडे में अच्छे से क्रम्स में डालूंगी। ये इस तरह से आपका ब्रेड रोल रेडी हो गया है। ब्रेड रोल्स को फ्राई करूंगी। और इस तरीके से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं, बहुत ज़बरदस्त कलर इनके ऊपर आ जाए, तो इनको निकाल लीजिए और ये इतने क्रिस्पी और ज़बरदस्त से
ब्रेड रोल्स मेरे रेडी हैं। होपफुली कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये हमारे ब्रेड रोल्स रेडी हो चुके हैं, बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा।